हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था बोर्ड के एग्जाम में आने वाली क्वेश्चंस रीराइट एज डायरेक्टेड, मींस रीराइट एज डायरेक्टेड जो दिया रहता है क्वेश्चन उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जब वॉइस को यानी एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करना हो और तो उसमें किस तरह से डायरेक्शन दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा है बिगिन लाइक दिस, तो यहाँ पर क्या दिया रहेगा तो हम समझेंगे कि वो पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि पिछली क्लास वाले टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आज हम सीखेंगे कि हाउ टू चेंज द नंबर, मीन्स सिंगुलर से प्लूरल या प्लूरल से सिंगुलर में हम कैसे चेंज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, आपको मैं एक क्वेश्चन दिखाऊंगा स्क्रीन पे, ये क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस में जो ऊपर लिखा है उसको आप अच्छी तरह से पढ़ो और जो एकदम नीचे लास्ट में लिखा है कि बिगिन लाइक दिस, यहाँ पर लिखा है दिस आर। ओके फ्रेंड्स, तो इससे हम समझेंगे कि यहाँ पर क्या करना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये सेंटेंस है दिस इज अ फार्म वर्कर, यह एक फार्म का वर्कर है यानी खेत का वर्कर है। ही हेल्प्स द फार्मर ऑन हिज फील्ड, वह खेत पर फार्मरों की यानी किसानों की मदद करता है, वह खेत पर किसानों की मदद करता है। ओके फ्रेंड्स, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार आदमी है। ही वर्क्स वेरी हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, वह सुबह से लेकर शाम तक बहुत कठिन काम करता है। ओके फ्रेंड्स, तब यहाँ पर हम बिगिन लाइक दिस यहाँ पर पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। यहाँ पे क्या लिखा है दिस आर, यहाँ पे शुरुआत में है दिस इज, इसका मतलब यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर दिस है और यहाँ पर दिस आर है, मीन्स इससे साफ हो जाता है, जाहिर हो जाता है कि इसको प्लूरल में चेंज करना है। ओके फ्रेंड्स, इसलिए सिंगुलर में सारा सेंटेंस जो दिया हुआ है ये सिंगुलर में है और इसको प्लूरल में चेंज करना है। तो बिगिन लाइक दिस यहाँ पर देख कर हम समझ जाएंगे कि इसको किस में चेंज करना है, तो ये प्लूरल में चेंज करना है। तो दिस का दिस होता है प्लूरल, इस का आर होता है प्लूरल, दिस इज अ फार्म वर्कर दिया हुआ है तो यहाँ पर दिस आर फार्म वर्कर्स, वर्कर्स हो जाएगा। फिर उसके बाद है ही हेल्प्स द फार्मर ऑन हिज फील्ड, तो ही का हो जाता है प्लूरल दे हेल्प द फार्मर्स ऑन, अब हिज का प्लूरल होता है जो हिज है, हिज का प्लूरल होता है दियर फील्ड। ओके फ्रेंड्स, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, तो ही का दे होता है तो दे आर ऑनेस्ट मैन, मैन का मैन हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, ही वर्क्स वेरी हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, तो दे वर्क वेरी हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। ओके फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर प्लूरल दिया है और यहाँ पर सिंगुलर दिया है तो उसको प्लूरल को सिंगुलर में चेंज करना है। जैसे अगर यहाँ पर ही है तो दे दिया होगा दे हेल्प द फार्मर ऑन हिज फील्ड, तो यहाँ पर हो जाएगा ही हेल्प्स। ओके फ्रेंड्स, अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि किसका प्लूरल क्या होगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैंने लिख दिया है सिंगुलर, ये सारे सिंगुलर है जो फर्स्ट रो में है, यहाँ पर सिंगुलर है ही का दे, शी का प्लूरल जो होता है दे, दिस का दिस, दैट होगा तो उसका प्लूरल होगा दोस, इट का दिस या दोस, दोनों से कोई भी लिख सकते हैं। हिज और हर का प्लूरल दियर होता है, माई का प्लूरल आर होता है। इस अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इस का आर, वॉज का वर्ब, हैज का है। ओके फ्रेंड्स, तो इतना आप समझ लोगे, इतना आप याद रखोगे तो काम हो जाएगा एग्जाम्स में। ओके फ्रेंड्स, तो जब भी एग्जाम्स में रीराइट एज डायरेक्टर दिया हो तो आप नीचे जो बिगिन लाइक दिस लिखा रहता है वहाँ पर आप अच्छी तरह से पढ़ो और उसको समझने की कोशिश करो कि इसको क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है
नंबर में चेंज करना है या उसका जो जेंडर है यानी लिंग परिवर्तन करना है। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि नंबर को हम कैसे चेंज करते हैं। बहुत ही सिंपल चीज़ है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर जैसे अगर ही दिया हो ही तो दे हो जाएगा सिंपल। जैसे ही इज अ फार्मर तो उसका प्लूरल हो जाएगा दे आर फार्मर। ओके फ्रेंड्स, दिस इज अ पेन तो उसका प्लूरल हो जाएगा दिस आर पेन्स। ओके फ्रेंड्स, और जब भी आप प्लूरल में सारे के सारे सेंटेंसेस को चेंज करते हो तो जहां जहां भी प्लूरल में चेंज करना है वहां पर सारे जगहों पर प्लूरल में चेंज होगा। जैसे अगर माई है बीच में तो माई का आर हो जाएगा, हिज आर है तो देयर हो जाएगा, इट है तो दिस आर दोस। मीन्स जहां पर भी प्लूरल बनाने की संभावना होती है वहां पर हम बनाते जाएंगे। जैसे अगर बीच में चेयर है दैट इज माई चेयर। ओके, दैट इज माई चेयर अगर बोल रहे हैं, अगर इसको प्लूरल बना रहे हैं तो दोज आर माई का आर हो जाएगा, और फिर चेयर में भी हम एस लगा कर प्लूरल बना देंगे उसको चेयर्स हो जाएगा, तो दोज आर चेयर्स। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगता हो, अगर आपको कुछ सीखने को मिलता हो मेरे क्लास से तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, बेल आइकन को भी क्लिक करके और नोटिफिकेशन को आप ऑन कर देना। ओके फ्रेंड्स, तब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।